Hey, hello KS fam, you watching KitKTS and this is DKS. Friends, आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान मतलब जेफ बेज़ोस की। 1995 में इन्होंने अपने जॉब को छोड़कर Amazon कंपनी स्टार्ट की। सो भाई और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेफ बेज़ोस कहते हैं, अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा फील कराते हो तो वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और किसी दूसरे के मुंह से की गई तारीफ बहुत ही पावरफुल होती है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से काम करते हैं तो आपको हमेशा वेट करना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या करता है, लेकिन अगर आप कस्टमर्स के नीड को समझते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी बुराई नहीं सुन सकते तो भूल कर भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करना। अगर आप वही काम करेंगे जिसका जवाब पहले से आपको पता है तो आपकी कंपनी ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है। अगर आप हर साल अपनी कोशिश को दुगना कर देते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी और सक्सेस को भी दुगना कर सकते हैं। अच्छे टाइम पे अपने माइंड को सबसे इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अमेज़न में हमारे पास 3 सबसे बड़े काम थे जिसकी वजह से 18 साल तक हम सर्वाइव कर सके, और वो है पहले कस्टमर्स को रखें, कुछ नया इन्वेंट करें और पेशेंस रखें। आपका ब्रांड वो है जिसके बारे में लोग तब बात करते हैं जब आप कमरे पे नहीं हो। किसी कंपनी के लिए ब्रांड उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जैसे किसी इंसान के लिए उसकी रिस्पेक्ट, जैसे कमाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Amazon कंपनी कहती है, आपको दी गई छूट मेरा अवसर है, मेरी अपॉर्चुनिटी है और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए। आपको फ्यूचर में झांकना होगा और पता लगाना होगा कि क्या करना है, क्योंकि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं मिलेगा। किसी कंपनी को ज़्यादा तड़क भड़क या चमकने की आदत नहीं डालनी चाहिए क्योंकि चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। एक बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है, अपने ऊपर अपने पैशन और हॉबी को थोपते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जुनून को नहीं चुनते बल्कि जुनून आपको चुनते हैं, आपसे काम करवाते हैं। एकमात्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जुनून के साथ कस्टमर्स पर फोकस करना। हमारा गोल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनने का है। ऐसी चीज़ें खोजना मुश्किल है जो ऑनलाइन नहीं बिक सकती। मेरे सक्सेस का यही राज है, कड़ी मेहनत करो, आनंद लो, फिर इतिहास रच डालो। कभी भी फेल हो जाने के डर से किसी काम को मत रोकना, क्योंकि कोशिश ही ना करने का अफसोस फेल हो जाने के दुख से बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, कोई बेहतर नई चीज़ ढूंढो, उसका विस्तार करो। दूसरा, अपने कस्टमर्स के नीड्स को समझो, उस पर काम करो। इसके लिए आपको नई नई स्किल क्यों नहीं सीखनी पड़े, किंडल इसका उदाहरण है। किसी भी नए आविष्कार को लोग गलत समझते हैं, आप वही करेंगे जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। कोई भी बिजनेस का प्लान पहली बार में सही नहीं होता, रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, किफ़ायत नई खोज की ओर ले जाते हैं। जेफ बेज़ोस कहते हैं, जब हमारे कॉम्पिटिटर सुबह सुबह नहाते होते हैं उनके माइंड में होता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से कैसे लड़े ते आगे बढ़े, और मैं नहाते समय ये सोचता हूँ कि हम अपने कस्टमर के साथ मिलकर एक नया आविष्कार कैसे करें, किसी नए चीज़ की खोज कैसे करें। अगर आप किसी एक कस्टमर के साथ बैड बिहेव करते हैं, उसे बुरा फील कराते हैं, तो अपने 5 फ्रेंड को नहीं 5000 फ्रेंड को बताते हैं। जो चीज़ हमेशा मुझे मोटिवेट रखती है वो ये है, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। इन 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, अपने पेशेंस, कंटिन्यू प्रोसेस, अपनी गलतियों पर की बारीकियों पर। बढ़िया कस्टमर सर्विस वो है जहाँ आपको कस्टमर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं हो, कस्टमर्स आपकी शिकायत ना करें। एक बड़ी बिजनेस कंपनी किसी एक से नहीं बनती, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको गलत समझे जाने का डर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी समय आविष्कार करने के लिए बुरा नहीं होता। अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से नहीं समझते तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। यदि आप सिर्फ वही काम करते हो जिस काम के पहले से रिजल्ट आपको पता है इसके प्लस और माइनस क्या होंगे, आपकी कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वही काम करोगे, काम के बारे में आपको पहले से पता है यही काम करेगी, आप बहुत सारे अवसर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी गंवा दोगे। अपने विजन अपने गोल्स को लेके जिद्दी रहो, लेकिन अपने डिटेल्स के लिए लचीले रहो। हम अपने कस्टमर्स को पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट की तरह देखते हैं, खुद को होस्ट की तरह देखते हैं। हम उन्हें हमेशा बेहतर फील कराने की कोशिश करते हैं। हम ग्राहकों के साथ काम शुरू करके कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। हम तब पैसा कमाना चाहते हैं जब हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें, ना कि तब जब वो प्रोडक्ट को खरीदे। हमने अपने प्राइस पर बहुत रिसर्च की है। हमारे एक्सपर्ट का हमेशा ये सुझाव होता है कि हम अपने रेट्स को बढ़ाएं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हमारे कस्टमर की नीड ही हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, ये थे जेफ बेज़ोस के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान की कुछ बातें। फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड है, कोई कंपनी में है,
अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसे वीडियो जरूर शेयर करना। लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली उन सभी लोगों के साथ जिन्हें ऐसे वीडियोस की जरूरत है। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।